हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है योग मठ में। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि अगर आपको अपनी डेटा की जो फाइल है वो प्रिपेयर करनी है स्पेसेस में, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेके आए हैं कि हमारे पास एक डेटा है जिसको हम स्पेसेस में कॉपी करेंगे और उसे प्रिपेयर करेंगे डेटा को एनालाइज होने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास डेटा है करीबन 20 पेशेंट्स का, जिनके हमारे पास एनरोलमेंट की डेट है, उनका डिजीज का ग्रुप है, उनका कांटेक्ट नंबर है, उनका एज, जेंडर, बीएमआई, स्मोकिंग स्टेटस, पैक ईयर्स, हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्निया और एक्सरसाइज कैपेसिटी। तो इसको अब हम जब कॉपी करेंगे तो हम लोग कॉपी डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग कॉपी करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनके जो मेन डेटा है, इनकी हेडिंग्स हम लोग कॉपी नहीं करेंगे, कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और हम अपनी नई डेटा शीट में इसको पेस्ट करेंगे डेटा व्यू में। एज वी टॉक कर लिया कि डेटा व्यू कहलाया जाता है एसपीसीएस की जो फर्स्ट शीट होती है। अब इसमें हम लोग इनके वेरिएबल व्यू में जाके इनकी हेडिंग्स को नाम देंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या है? नेम। तो हम नेम, अब नेम, दूसरा हेडिंग है हमारा डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट। नेक्स्ट है फिर आपका डिजीज ग्रुप एंड फोन नंबर, डिजीज ग्रुप। इसमें आपका जो स्पेस बार है वो काम नहीं करेगा, तो आपको अपना जो भी आपके टैग का नाम होगा वो आपको विदाउट स्पेस लिखना होगा, डिजीज ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास फोन नंबर, तो ये हो जाएगा आपका फोन नंबर। नेक्स्ट है आपके पास हाइट, और हाइट के बाद ये है आपका जेंडर और बीएमआई। तो यहाँ पे आप करेंगे जेंडर एंड बीएमआई, सॉरी, जेंडर बीएमआई, देन स्मोकिंग स्टेटस, कि उसका स्मोकिंग स्टेटस क्या है, वो अभी करंट स्मोकिंग स्टेटस है कि पैक ईयर्स में अभी एक स्मोकर है या फिर नॉन स्मोकर है, क्या है, तो हम लोग उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अगर स्मोकिंग स्टेटस है तो उसको पैक ईयर्स क्या है, पैक ईयर्स में करेंगे हम यहाँ पे पैक ईयर्स, मतलब कितने साल से वो स्मोक कर रहा है। तो इतने डेटा को फिलहाल हम फाइंड करेंगे। जैसे कि नेम आपका स्ट्रिंग है यानी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे। आपका जो डेट है वो डेट में हम यहाँ पे डेट क्लिक करेंगे, हमारी जो डेट है वो डेट मंथ और ईयर के हिसाब से है। नेक्स्ट डिजीज ग्रुप यानी कि ABCD, ये भी क्या हुआ, कैटेगोरिकल वेरिएबल यानी कि स्ट्रिंग हुआ। फोन नंबर न्यूमेरिक है, हाइट न्यूमेरिक है, और उसके बाद आ जाता है आपका जेंडर, जेंडर यानी कि मेल फीमेल यानी कि ये भी आपका स्ट्रिंग हुआ। उसके बाद बीएमआई न्यूमेरिक है, आपका कैटेगोरिकल हुआ क्योंकि आपकी तीन के फॉर्म में है, एक्स स्मोकर, करंट स्मोकर, नॉन स्मोकर। अब रेस्ट वैल्यूज इसमें जैसे कि अगर हम देखें तो डिजीज ग्रुप हमारा चार कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। तो जब आपके पास कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके अंदर आपको चार, तीन, दो या चार कैटेगरीज आप डिफाइन करें, तो उसकी वैल्यूज आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग वन वैल्यू डालेंगे आपके ए ग्रुप के लिए ऐड करेंगे, टू वैल्यू डालेंगे आपके बी ग्रुप के लिए ऐड करेंगे, थ्री वैल्यू डालेंगे आपके सी ग्रुप के लिए, आपके डी ग्रुप के लिए और ऐड करेंगे। तो जब आपका ये डेटा अब हम एनालिसिस करेंगे तो ये हमारे पास आसानी होगी। नेक्स्ट जेंडर की बात करते हैं, तो हम एक डालेंगे वन फॉर मेल एंड टू फॉर फीमेल, इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे। ओके, देन बीएमआई में हमें कुछ नहीं करना है, स्मोकिंग स्टेटस में हमें फिर से डालना है वन फॉर करंट, टू फॉर एक्स स्मोकर, थ्री फॉर नॉन स्मोकर। इसको आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि जब आपके पास इस तरह की वैल्यूज होती है तो उसे आप इस तरह से करेंगे। नेम आपका नॉमिनल होगा, डेट भी आपकी नॉमिनल होगी, डिजीज आपकी नॉमिनल होगी, फोन नंबर आपका स्केल होगा, हाइट आपकी स्केल होगी, जेंडर नॉमिनल होगा और बीएमआई आपका स्केल होगा, स्मोकिंग स्टेटस भी आपका नॉमिनल होगा,
और पैकियस, पैकियस भी आपके नॉमिनल में ही आए, नहीं पैकियस हमारे कैलकुलेटेड हैं तो ये स्केल में आ जाएंगे। अभी हम रेस्ट डेटा को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इतना डेटा देखते हैं इसकी। अगर हम, आप सपोज करें हमें हाइट की अगर फ्रीक्वेंसी करनी है, या फिर अगर हम जेंडर का एक चार्ट चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिक डिस्क्रिप्टर्स अगर हमें चाहिए, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टर्स हम चाहते हैं, वो हाइट है या फिर हमारा जो बीएमआई है हम उसके डिस्क्रिप्टिव्स चाहते हैं। तो यहाँ से हम डिस्क्रिप्टिव्स में गए, हमारे डिस्क्रिप्टिव्स आ गए, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम जेंडर का भी हम लोग देखना चाहते हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, तो इसमें आपको ऑप्शन में फ्रीक्वेंसीज में जाना है, एनालाइज देन गो टू फ्रीक्वेंसीज देन सेलेक्ट जेंडर देन यहाँ पे आप स्टार्ट। आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, मीन, मीडियन। ठीक, उसके अलावा अगर आप चार्ट भी चाहते हैं चाहिए तो यहाँ पे चार्ट में चार्ट क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे कि अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा जेंडर का कि 20 पीपल हैं, उसमें फीमेल कितनी है 2, मेल 18 है, टोटल 20 है, उनकी परसेंट आ जाएगी और उसका एक बार चार्ट भी आ जाएगा। तो ये हमने एक वेरिएबल की अभी एनालिसिस करी, वो भी बेसिक से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। तो अगर ये वीडियो में आपको जो बेसिक डिस्क्रिप्टिव्स हैं उनका अगर एक वेरिएबल क्लियर हुआ हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।